हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन जो है 18 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 9 लेंगे और प्लस 2 फंदा साइड के ऐड स्टिच लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने जो है 29 फंदे लिए हुए हैं और ये डिजाइन जो है वैसे तो ये 8 रो में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब फंदे चेंज हो जाते हैं तो ये 16 रो में डिजाइन पैटर्न कंप्लीट होगा। तो चलिए डिजाइन पैटर्न बनाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिएगा। आपसे बहुत ही प्यारी सी ये रिक्वेस्ट है, अगर डिजाइन अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हमारा रो वन है, राइट साइड है, तो फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, ऑप्शनली है, आप चाहें तो बुन लीजिए। इसके बाद देखिए, धागा आगे लाएंगे, एक जाली वाला फंदा डालेंगे और ये 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। धागा पीछे ले जाएंगे, अब ये 3 फंदों का 1 करेंगे। तो पहले ये 2 फंदा देखिए ऊपर से इस तरीके से नीडल्स को डालना है और फंदे इस तरीके से पलट लेने हैं, और लेने के बाद ये 1 फंदा और लेने लेना। तो यहाँ पर ये 3 का 1 कर देंगे, देखिए 3 फंदों का 1 कर दिया। यहाँ साइड गाइड स्टिच है, जाली डाला, 3 फंदा उल्टा बुना, यहाँ 3 फंदे का 1 किया, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर जाली देखिए डालना है, धागा पीछे करेंगे, जाली डालेंगे। अब इसके बाद 9 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 9 फंदे हमें सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 18 फंदे यानी 18 फंदे की ये डिजाइन पैटर्न यही रिपीट होंगे। लास्ट में आपके 9 फंदे के डिजाइन देखिए, यहाँ पर धागा आगे करेंगे और ये जाली वाला फंदा डालेंगे और यहाँ पर 3 फंदा उल्टा बनेंगे, 1 2 3, धागा पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ 3 का 1 करना है तो पहले ये 2 फंदे यानी 2 फंदे ऐसे पलट लेंगे और फिर 1 फंदा और इसमें प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे। अब लास्ट में 3 फंदा हमें उल्टा बुनना है और ये साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा डिजाइन पैटर्न का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई आपको फ्रेंड्स उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करना है। इस डिजाइन को फ्रेंड्स आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन बन करके आती है। तो ये इस तरीके से आप जो है सेकेंड रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, हमारी थर्ड रो है राइट साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, जो जाली वाला फंदा है ना इसको सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ पर धागा आके करेंगे और जाली डालेंगे और यहाँ पर 2 फंदा यानी 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। अब धागा पीछे ले जाएंगे, अब यहाँ देखिए ये 3 का 1 करना है तो ये 2 फंदे इस तरीके से ऐसे पलट लेंगे और इसको हम ऐसे 1 प्लस और कर लेंगे तो यहाँ 3 फंदे हो जाएंगे। तो और ये 3 का 1 कर देना है, 3 का 1 करेंगे, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, जाली डालना है, धागा पीछे करेंगे, जाली डालेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक डिजाइन है, यहाँ से दूसरी डिजाइन स्टार्ट होगी। तो ये पहले जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे तो यहाँ 11 फंदे हो गए टोटल सीधे, ठीक ना। फिर धागा आगे करेंगे और देखिए एक जाली वाला फंदा डालेंगे और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ फ्रंट से ऐसे नीडल्स को डालेंगे, 2 फंदे ऐसे पलट लेंगे, प्लस 1 फंदा और इसमें ऐड करेंगे तो 3 का 1 हमें कर लेना है। फिर इसके बाद धागा आगे लाएंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर हम धागा पीछे ले जाएंगे, जाली डालेंगे
और वन फंदा सीधा बुनेंगे और इस साइड का एड स्टिच है इसको भी सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। रो फोर है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई आपको ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो आप पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स, हम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये फोर रो कंप्लीट हो गया है। रो फाइव है, देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब टू फंदा हमें ये सीधा बुनना है, वन टू, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और वन फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये थ्री का वन करेंगे तो पहले ये टू फंदा इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ हम ये वन प्लस और ले लेंगे और ये थ्री का वन करेंगे। देखिए इस तरीके से थ्री का वन कर लेंगे और धागा आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, जाली डालेंगे और देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन। अब यहाँ से देखिए दूसरी डिजाइन स्टार्ट होगी तो यहाँ पर वन टू यानी थर्टीन फंदे हमने सीधा बुन लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम जाली डालेंगे तो धागा आगे करेंगे और वन फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, टू फंदा देखिए इस तरीके से फ्रंट से नीडल्स को डाल करके पलट लेंगे, प्लस वन फंदा इस तरीके से हम थ्री का वन कर देंगे। इसके बाद धागा आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे जाली डालेंगे, टू फंदा सीधा बुनेंगे, वन साइड का एड स्टिच है इसको भी सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन पैटर्न का फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया है। सिक्स रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स ये पूरी रो आप इस तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करें, हम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेवंथ रो है, राइट साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब देखिए वन टू थ्री फंदा हमने सीधा बुना, जाली डाला, अब यहाँ देखिए थ्री का वन करेंगे, ये जो है ये टू फंदा है इसे हम फ्रंट से इस तरीके से नीडल्स को डालेंगे, पलटेंगे और प्लस वन फंदा और ले लेंगे, ये थ्री का वन करेंगे और इसके बाद जाली डालेंगे। अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यानी पंद्रह फंदे हम सीधे टोटल बुनाई करेंगे। फिर इसके बाद जाली डालेंगे और यहाँ पर थ्री का वन करेंगे, तो ये टू फंदे इस तरीके से पलट लेंगे, प्लस वन फंदा लेंगे, यहाँ थ्री का वन करेंगे, जाली डालेंगे और इसके बाद देखिए फोर फंदा हमें सीधा बुनना है, वन टू थ्री फोर। तो देखिए हमारा फोर फंदा उल्टा हो गया। अब ये हमारा रो एट है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसलिए हम आपको पूरी सिलाई बैक साइड की नहीं दिखा रहे हैं कि उल्टा तो आप लोगों को बुनना ये आता ही है और वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसका लेंथ थोड़ा कम करने के लिए हम ये बैक साइड का पूरा नहीं दिखा रहे हैं, तो इसे कंप्लीट आप करें। तो फ्रेंड देखिए नाइन्थ एट रो कंप्लीट हो गया, रो नाइन है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब इसके बाद नाइन फंदे हमें सीधा बुनना है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन फंदे यहाँ पर ये साइड का एड स्टिच छोड़ के देखिए थ्री थ्री थ्री, नाइन फंदे बुन लिया। अब धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे, थ्री फंदा उल्टा बुनेंगे, वन टू थ्री, अब धागा पीछे ले जाएंगे, यहाँ थ्री का वन करेंगे, देखिए ये टू फंदा ऐसे पलट लेंगे और इससे देखिए प्लस वन लेंगे, ये थ्री का वन कर देंगे। इसके बाद धागा आगे लाएंगे, थ्री फंदा उल्टा, वन
टू थ्री, धागा पीछे ले जाएंगे, जाली डालेंगे, इसके बाद नाइन फंदे हमें सीधा बुनना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा जो है नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया। टेंथ रो है फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी नीडल्स को हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो ये रो पूरी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रो 11 है, राइट साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नाइन फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और वन फंदा ये 10 हो गया, सीधा बुन लिए। जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, टू फंदा उल्टा, वन टू, धागा पीछे ले जाएंगे, ये थ्री फंदों का वन करेंगे। तो यहाँ टू फंदा ऐसे पलट लेंगे और ये प्लस वन फंदा लेंगे, ये देखिए थ्री का वन करेंगे, और इसके बाद धागा आगे टू फंदा उल्टा, धागा पीछे 10 फंदा सीधा, सॉरी धागा पीछे करेंगे, जाली डालेंगे। तो फ्रेंड देखिए 10 फंदा सीधा बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। अब ये साइड का एड स्टिच है, इसको बुनेंगे। तो ये हमारा 11th रो कंप्लीट हो गया। ये 12th रो है बैक साइड, इसको हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए रो 13 है राइट साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब देखिए 11 फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, अब धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और वन फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, अब यहाँ थ्री का वन करना है, टू फंदा ऐसे पलट लेंगे और ये प्लस वन फंदा लेंगे और ये थ्री का वन करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, सॉरी धागा आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, जाली डालेंगे, अब यहाँ देखिए, अब देखिए 11 फंदा उल्टा सॉरी सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, साइड का डिस्टिच है, इसको सीधा बुनेंगे। तो ये रो 14 है फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो रो 14 को कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रो 15 है राइट साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ थ्री का वन करेंगे, टू फंदा इस तरीके से पलटेंगे, प्लस वन फंदा लेंगे, यहाँ पर हम थ्री का वन कर देंगे, फिर जाली डालेंगे, अब देखिए ट्वेल्व फंदे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा 15 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड, 16 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए 16 रो में डिजाइन पैटर्न कितना प्यारा और खूबसूरत सा बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स 16 रो में ये डिजाइन पैटर्न। ये राइट साइड है और देखिए ये बैक साइड है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको
ये डिजाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। तो अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।